गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय वंदना रावल यूट्यूब चैनल पर। 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरपीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन। आज मैं आपके लिए लेकर आई आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th रिजोल्यूशन बुक 2nd इंग्लिश लेसन 8 ओल्ड मैन एट द ब्रिज पेज 47 स्टार्टिंग। एन ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, एक बूढ़ा व्यक्ति स्टील रिम्ड स्टील फ्रेम के स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स, और उसके क्लोथ्स भी बहुत डस्टी थे। बाय द साइड ऑफ द रोड, वो सड़क के किनारे देर वाज बैठा हुआ था। देर वाज अ पैंटून ब्रिज, यहाँ पर एक पैंटून ब्रिज था अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स, जिसके ऊपर से नदी के ऊपर जिसके ऊपर से कार्ट्स बैलगाड़ियाँ ट्रक्स मैन वुमन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट, ये लोग इसे क्रॉस कर रहे थे। द म्यूल ड्रोन कार्ट्स स्टेगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश, जो म्यूल ड्रोन कार्ट्स थी बैलगाड़ियाँ, उन्हें सोल्जर्स जब वो अटक गई ब्रिज पे तो उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ा रहे थे। स्पोक्स ऑफ द व्हील, स्पोक्स को पकड़ के व्हील से धक्का दे रहे थे। एंड द ट्रक राउंड्स अप एंड अवे ही हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल। द पीजेंट्स प्लॉडिंग अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट, और जो किसान थे वो एंकल डीप डस्ट में घुटनों तक डस्ट में सने हुए थे। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, सब जा रहे थे लेकिन ओल्ड मैन वहाँ पर बैठा हुआ था। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, वो इतना बूढ़ा हो गया था कि सब चला नहीं जा रहा था और थक भी गया था बहुत। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, और ये मेरी ड्यूटी थी कि लोग ब्रिज को क्रॉस करें। एक्सप्लोर द ब्रिज अहेड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू, और ये फाइंड आउट करे व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस, और दुश्मन कहाँ तक आगे बढ़ गया है। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, मैं ये कर रहा था एंड जब मैं ब्रिज पे लौट के आया देयर वर नो सो मैनी कार्स, अब वहाँ ज़्यादा बैलगाड़ियाँ नहीं थी। नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल, और बहुत कम लोग थे ऑन फुट जो पैदल थे। बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति अभी भी वहीं बैठा हुआ था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा आप कहाँ से आए हो। फ्रॉम सैन कार्लोस ही सैड, उसने कहा मैं सैन कार्लोस से आया हूँ। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया अपने नेटिव प्लेस का अपने जन्म स्थान का नाम लेके, एक खुशी सी जैसे उसके चेहरे पर आई हूँ। That was his native town, वो उसका native town था। And so it gave him pleasure, तो उसका नाम ले mention and it smile, जैसे उसका नाम लेने से ही उसे खुशी हुई हो इसलिए वो मुस्करा गया। I was taking care of animals, he explained, और फिर कहने लगा कि मैं तो अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। Oh, I said, not quite understanding, मैं उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी मैंने ओह कह दिया। यस ही सेड, तो उसने कहा हाँ। आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं यहाँ ठहरा हुआ भी इसलिए था कि मैं अपने जानवरों की देखभाल कर सकूं। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सेंट कार्लोस, और मैं वो अंतिम व्यक्ति हूँ जिसने अपना गाँव सेंट कार्लोस छोड़ा है। ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेफर्ड नॉट अ हर्ट्समैन, अब ना तो वो शेफर्ड लग रहा था भेड़ चराने वाला और न गाय चराने वाला लग रहा था। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ, मैंने देखा कि उसके कपड़े
जो काले भी हो गए और धूल से सने हुए थे, हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसका जो फेस था वो भी डस्टी हो गया था, वो भी धूल में हो गया था। एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स, और जो उसका स्टील का फ्रेम वाला जो चश्मा था। एंड सेड व्हाट एनिमल्स वर दे, कि वो कौन से एनिमल थे जिनकी तुम देखभाल कर रहे थे। वेरियस एनिमल्स ही सेड, तो उसने कहा कई तरह के जानवर थे। एंड शुक हिज हेड, और उसने अपना सिर हिलाया। आई हैड टू लीव देम, मुझे उन्हें भी छोड़ना पड़ा। व्हाट एनिमल्स वर दे, तो वो कौन कौन से एनिमल्स थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। देयर वर टू गोट्स, तो उसने जवाब दिया। दो बकरियां थी। एंड अ कैट, एक बिल्ली थी। एंड देन देयर वर फोर पेयर्स ऑफ पिजन्स, और चार कबूतर की जोड़ी थे, पिजन्स कबूतर। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क, तो तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ा, मैंने पूछा। यस, बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, कि यहाँ पे जो आर्टिलरी बमबारी होनी है इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, तो कैप्टन ने मुझे आदेश दिया कि मैं यहाँ आर्टिलरी होगी तो मैं ये जगह छोड़ दूँ। एंड यू हैव नो फैमिली, और तुम्हारे कोई फैमिली भी नहीं है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, मैं ब्रिज के दूर तक नज़र पसारता हुआ देख रहा था। वेहर अ फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हरिंग, जहाँ पे कुछ अंतिम गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियाँ जो जल्दी जल्दी जा रही थी। डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, जो किनारे पर जो ढलान था वहाँ पे जल्दी जल्दी जा रही थी, लुढ़क रही थी। नो ही सेड, ओनली द एनिमल्स। यस, उसने कहा नहीं मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे तो केवल एनिमल्स ही थे। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, तो जो बिल्ली है वो तो अपना ध्यान रख लेगी। द कैट कैन लुक आफ्टर फोर हर्ट सेल्फ, बिल्ली अपना ध्यान खुद रख सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक वाट विल बिकम ऑफ द अदर्स, लेकिन दूसरों का क्या होगा। वाट पॉलिटिक्स यू हैव, आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा कि तुम राजनीति में, कौन सी राजनीति में तुम्हारा इंटरेस्ट है। इसी के साथ यहीं तक, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। थैंक्स। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। YouTube चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।